हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो सेशन में हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। ऑल ऑफ यू जो भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं वो समझ रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर स्थित होता है और क्या होता है। ठीक है, आज के सेशन में इनमें इस मेरे नोट्स में आपको वो पार्ट्स मिलेंगे जो आपको बहुत आसानी से समझने में मदद करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या है, इसे कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखना है और क्या क्या जानने की। ये देखिए, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से पाया जाएगा। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा हुआ है। इसमें देख रहे हैं आप, न्यूक्लियर पोर है। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज सिस्टर्नी, दिस इज सिस्टर्नल स्पेस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डॉट डॉट है दिज आर राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कि कैसे और किसके कंटिन्यूम में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के भी कंटिन्यूम में है, राइबोसोम के कंटिन्यूम में है और समवेयर गॉल्जी एपरेटस के भी कंटिन्यूम में हो। समझाने की कोशिश की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो कुछ इस तरह से दिखता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी समझ में आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट पॉइंट है एबसेंट इन मेच्योर एर्थ्रोसाइट एंड प्रोकैरियोट्स। फिर देख लेते हैं, आप वीडियो के दौरान पॉज करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन मैच्योर एर्थ्रोसाइट एंड प्रोकैरियोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अक्सर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है, कोई भी एग्जाम हो, रिलेटेड टू मेडिकल, रिलेटेड टू यूपीएससी, रिलेटेड टू एनी एग्जाम। ठीक है, सीएसआईआर वगैरह में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहले बात कहाँ पे किस सेल में नहीं पाया जाता, तो हम देख रहे हैं कि इट इज़ एब्सेंट इन एर्थ्रोसाइट एंड प्रोकैरियोट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन द फिजिकल कंटिन्यूटी विद द न्यूक्लियर एनवेलप। अभी आपने देखा कि किससे कंटिन्यू करता जा रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप से, और शेयर एन इंटीमेट फंक्शनल रिलेशन विद द गॉल्जी एपरेटस। ठीक है, तो इस तरह ये साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी एपरेटस एंड न्यूक्लियर एनवेलप मेक द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारा एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयरेंस इज लाइक इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड वेसिकल्स। आपने देखा था एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, फ्लैट हैं, थोड़े फ्लैटेंड टाइप के हैं, वेसिकल्स हैं, मतलब एक पाउच शेप के हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप से ओरिजिन करते हैं। ठीक है, द मार्जिन आर ट्यूबुलर एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाई सम लार्ज अनकोटेड वेसिकल्स। आपने देखा था कुछ कुछ ग्लोबुलर शेप के वेसिकल्स हैं। ठीक है, मार्जिन का ट्यूबुलर है, ट्यूबुल्स के शेप्स का है। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूजुअली लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स। तो कई बार पूछ लेता है विच वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, और तीन चार ऑर्गेनेल के नेम दे रखा होता है और पूछ लेता है, तो जानने की ज़रूरत है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, इट्स मेम्ब्रेन्स में अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपने देखा कि इसके मेम्ब्रेन्स का लगभग आधा जो है सेल मेम्ब्रेन ईआर का बना होता है। द शेप एनक्लोज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द ल्यूमेन एंड सिस्टर्नल स्पेस मे रिप्रेजेंट अबाउट 10% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। ये एक टेंटेटिव है, तो ये घट बढ़ सकता है, डिपेंड करता है सेल के सेलुलर फंक्शन पे। कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ज़्यादा होता है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेशन और बाकी चीज़ों में, तो वहाँ पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कि ये किसी किसी ऑर्गेनेल से रिलेटेड है। जैसे अभी आपने देखा था न्यूक्लियर एनवेलप है, राइबोसोम भी अटैच है, गॉल्जी एपरेटस से भी कंटिन्यू बन कर रहा है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन इन फिजिकल कंटिन्यूटी विद द न्यूक्लियर एनवेलप। फॉर दिस रीजन न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर सिस्टर्ना। क्या कहते हैं,
पेरी न्यूक्लियर सिस्टर्ना। सेकेंड पॉइंट है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग थ्रू द सेक्रेटरी पाथवे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेस द नेसेंट प्रोटीन इन द इनिशियल स्टेज। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का शुरू होता है फंक्शन, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एग्जीक्यूट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सबसे इनिशियल पाथवे को पुश करता है ओनली टू सम एक्सटेंट। इन द सेमी प्रोसेस प्रोटीन, और इस तरह से जो सेमी प्रोसेस प्रोटीन होता है दैट मूव टू गोल्जी एपरेटस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, दस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस रिमेन इन बायोकेमिकल एंड फंक्शनल कंटिन्यूटी। इस तरह से तो गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा एक बायोकेमिकली एक दूसरे से रिलेटेड है, बायोकेमिकली भी और फंक्शनली भी। आधा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का ईआर में हो रहा है, आधा प्रोसेस गोल्जी एपरेटस में हो रहा है। ठीक है, तो द सेमी प्रोसेस प्रोटीन्स मूव फ्रॉम ईआर टू जीए थ्रू द ट्रांजिशन वेसिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे ट्रांजिशन वेसिकल्स बनते हैं जो प्रोसेस होके आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे आप डायग्राम्स में दिखाऊंगी कि किस तरह से हो रहा है। थर्ड पॉइंट है, ऑल द सेलुलर कॉम्पोनेंट्स विच रिसीव देयर प्रोटीन, ऑल द सेलुलर कंपोनेंट विच रिसीव देयर प्रोटीन बाय द सेक्रेटरी पाथवे नेमली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड एंडोसोम्स आर फंक्शनली रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेंस दैट ऑल द प्रोटीन्स हैव बीन प्राइमरी। समझ रहे हैं, एक्चुअली लगभग सभी प्रोटीन शुरुआत में कहाँ प्रोसेस हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी सेलुलर एलिमेंट जो प्रोटीन के फॉर्म में रिसीव होते हैं वो कहाँ से आते हैं, सेक्रेटरी पाथवे बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। इस सारी बात से एक चीज समझ में आ रही है, टू हाईलाइट द रिलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अदर सेल ऑर्गेनेल द फॉलोइंग टू मेजर कॉन्सेप्ट्स हैव बीन फॉरवर्ड। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला है GERL कॉन्सेप्ट, इसको दिया था ए नोविकॉफ ने लेट 1950 में। साथ साथ लिखते रहिएगा या एक दो बार आप इसको सुन लेंगे तो एकदम से याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, GERL कॉन्सेप्ट इसको किसने दिया था, इसको कहा गया गोल्जी एपरेटस। देखिए चलिए, इन विच ही सजेस्टेड दैट सेलुलर सेक्रेशन ऑकर्स बाई ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। वही बात है, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ठीक है, इस तरह से सेलुलर सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेक्रेटरी पाथवे, इसे किसने दिया था, पैलेट ने 1960 में आफ्टर कैरिंग आउट पल्स चेज एक्सपेरिमेंट। किस एक्सपेरिमेंट से, पल्स चेज एक्सपेरिमेंट ऑन द एक्टिवली सेक्रेटिंग पैंक्रियाटिक एसिनर सेल्स। पैंक्रियाटिक सेल्स पे काम किया था इन्होंने और उससे ये कॉन्सेप्ट लेके आए सेक्रेटरी पाथवे का। उन्होंने नोटिस किया, ही नोटिस दैट ऑल द सेक्रेटेबल प्रोटीन, जो भी प्रोटीन जो सेक्रेटरी पाथवे को फॉलो करते हैं और सेक्रीशन में सेक्रेट होते हैं, दे फॉलो ए कॉमन रूट टू एक्सपोर्ट दैट इज ट्रांसलेटेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच राइबोसोम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसलेट किया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आएगा, फिर ट्रांजिशन वेसिकल्स, इसी तरह आप भी लिख लीजिए एरो करके, ट्रांजिशन वेसिकल्स बनाएगा, फिर सिस गोल्जी एपरेटस में आएगा, देन ट्रांस गोल्जी एपरेटस में आएगा और उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा डिस्चार्ज वेसिकल्स में, और फिर उसे सेल क्या करेगा, एक्सटीरियर पार्ट में एग्जिट कर देगा। ठीक है, लेटर रिसर्च एस्टैब्लिश्ड That same route is also taken by the protein which are to be targeted to the plasma membrane. ठीक है, बाद के रिसर्च में पाया गया कि सेम रूट ही लिया जाता है उस प्रोटीन के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं, जो अभी आपने पिछले सेशन में देखा, पिछले वीडियो में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्रोटीन, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, लाइसोसोम्स एंड मेम्बर्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स, दिस कॉमन पाथवे इज कॉल्ड सेक्रेटरी पाथवे, दिस कॉमन पाथवे इज कॉल्ड सेक्रेटरी पाथवे। अब अगर मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मोस्ट ऑफ द सेल अपीयर एज एन एनास्टोमोजाइन नेटवर्क ऑफ सैक्स। आप देख रहे हैं एक दूसरे से उलझा हुआ सैक्स है और ये सिस्टर्नी के फॉर्म में है, तो एक सैक्स होंगे, ट्यूब्यूल्स होंगे एंड वेसिकल्स होंगे। ठीक है, जो किस तरह से इंक्लोज्ड होंगे, कंटिन्यूस मेम्ब्रेन्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। हाउएवर इन सर्टेन सेल्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ ईआर कैन बी डिफरेंट, जैसे
स्ट्राइएटेड मसल्स में, मसल्स दो तरह के होते हैं आपको पता है, अनस्ट्राइएटेड एंड स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड मसल्स में ईआर इज स्पेशली अडॉप्टेड टू सराउंड द मायोफाइब्रिल फॉर्मिंग ट्राई एयर विथ इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड टी ट्यूबुल्स। जब मैं मसल्स बताऊंगी तो उसमें आपको ये टी ट्यूबुल के बारे में बताऊंगी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक ट्रायड के फॉर्म में आ जाता है, इसे टी ट्यूबुल कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर मसल्स में है तो उसको यूजुअली कह देते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट में देख लेते हैं, प्लांट में भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें एक प्लाज्मोडेस्मेटा करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा याद रखिएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा और माइक्रोस्कोपिक चैनल ऑफ सप्रोटोप्लाज्म फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, जिससे मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में आते जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काम करता है। इन द कोर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा देयर आर डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ ईच ऑफ द एडजेसेंट सेल्स, नोन एज डायनेमिक एंडोमेम्ब्रेन कंटिन्यूम। प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर कोर में जो ट्यूबुल होता है उसको कहते हैं डेस्मोट्यूबुल। ठीक है, ये डेस्मोट्यूबुल डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मोडेस्मेटा है। ठीक है, किसके थ्रू, डेस्मोट्यूबुल के थ्रू। इस तरह एक डायनेमिक एंडोमेम्ब्रेन कंटिन्यूम सिस्टम बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई में देख लेते हैं। फंजाई, इन द फंजाई बिलोंगिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज देर आर डिफरेंट फैमिलीज ऑफ द फंजाई, जिसमें वन ऑफ द फैमिली इज बेसिडियोमाइसिटीज। जो बॉटनी वगैरह के होंगे वो समझ रहे होंगे इस फैमिली को। इस फंजाई में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड पैरेंथोसोम। व्हाट इज पैरेंथोसोम? पैरेंथोसोम डेवलप्ड एंड हाईली ब्रांच्ड ईआर सिस्टम। तो आपने देखा वेरिएशन, अगर मसल्स में टी ट्यूबुल बना रहा है, ठीक है, प्लांट में प्लाज्मोडेस्मेटा बना रहा है, फंजाई में बेसिडियोमाइसिटीज में पैरेंथोसोम बना रहा है। ठीक है, पैरेंथोसोम। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम अगर प्रेजेंट है या एबसेंट है उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई बार पूछ लेता है। इन ऑल सेल्स देर आर टू डिस्टिंक टाइप ऑफ ईआर दैट अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस विद इन द सेल। हाउएवर टू टाइप्स ऑफ ईआर इज इन कंटिन्यूटी विथ ईच अदर। हालांकि ये दो तरह के हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से कंटिन्यूटी में ही रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज कवर्ड बाई राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सर्फेस। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, यहाँ मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, आप इसी तरह से बहुत सिंपल पिक्चर ड्रॉ किया है। ये देखिए, ये ट्यूबुल्स मैंने बनाया जिसपे राइबोसोम एग्जिस्ट करता है और इधर मैंने वेसिकल्स बना दिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ड्रॉ कर दिया, इंटरसिस्टेनल फेज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, राइबोसोम अटैच टू हाइलोप्लाज्मिक सर्फेस। ठीक है, इंटरसिस्टेनल फेज, ये देखिए इस तरह से डेवलप होता चला जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइबोसोम, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबोलिज्म। इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबोलिज्म, ठीक है, फैट के लिए काम आता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं कि इस पूरे में किस तरह के स्ट्रक्चर से ये बनता है। तो अगर कितने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं तो देखते हैं, थ्री स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है सिस्टर्नी, ठीक है, ये देखिए ये सब सिस्टर्नी है। ठीक है, विच आर फ्लैटेंड वेसिकल्स हैविंग ए लार्ज सरफेस एरिया। आप देख रहे हैं ये वेसिकल्स हैं लेकिन फ्लैट हैं। आप देख रहे हैं, ये 3D में मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। देयर मेम्ब्रेन इज अबाउट 9 नैनोमीटर एनक्लोज ए ल्यूमेन विच इज अबाउट 50 to 90 millimeter। The lumen of ER is in continuity with the lumen of nuclear envelope. ठीक है, cisterna यानी बहुत सारे cisterna, वन cisterna are frequently branched and interconnected and give the organelle the appearance of reticulum. ठीक है, एक जाल जैसा बना लेता है, ये ब्रांच होता रहता है, ब्रांचिंग होती रहती है और इस तरह से इस organelle को वो एक ब्रांच जैसा बना देता है, इसीलिए इसे reticulum कह देते हैं। तो एक तो ये पार्ट
एक ये स्ट्रक्चर हो गया इसका. नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स आर इलोंगेटेड एक्सटेंशन फ्रॉम द मार्जिन ऑफ सिस्टर्नी. ठीक है, जो सिस्टर्नी के मार्जिन से आप देखना आपने कि जो है एक ट्यूब्यूल जैसा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनता है. दे हैव इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एंड देयर डायमीटर इज अबाउट 30 नैनोमीटर. ट्यूब्यूल्स आर मोस्टली स्मूथ. ये मोस्टली स्मूथ होते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे इसके ऊपर. लाइक सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड ब्रांच्ड. ठीक है. थर्ड देखते हैं वेसिकल्स. वेसिकल्स विच आर सराउंडेड विच सराउंड द ईआर सिस्टम नियर द मार्जिन दे आर ऑल्सो मोस्टली स्मूथ. समझ में आई बात. यानी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल मोस्टली स्मूथ हैं, दे डोंट हैव राइबोसोम. और मोस्टली राइबोसोम कहाँ पे पाए जाएंगे, सिस्टर्नी पे. तो तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इसके समझ में आ रहे हैं, एक तो सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल्स, तीसरा वेसिकल्स. ठीक ना, ठीक है. अब अगर बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो टू स्टडी द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ ईआर इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट ईआर मेम्ब्रेन. ठीक बात है, हमें मेम्ब्रेन ईआर मेम्ब्रेन को बाहर निकालना पड़ेगा और उसे स्टडी करना पड़ेगा. व्हेन टिश्यूज और सेल्स आर डिसरप्टेड बाय होमोजेनाइजेशन मतलब एक मशीन होती है जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल को डाल देते हैं, वो बहुत तेजी से वो घूमती है गोल गोल, और इससे उसके एक एक पार्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं. ठीक है, तो ई आर ब्रेक इंटू फ्रैगमेंट्स एंड रीसील इंटू मैनी स्मॉल एनक्लोज्ड वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोसोम्स. ठीक है, 100 to 200 नैनोमीटर के माइक्रोसोम्स बन जाते हैं विच आर रिलेटिवली ईजी टू प्योरीफाई. और फिर इसको हमें प्योरीफाई करने में आसान हो जाता है और स्टडी करने में भी आसान हो जाता है. माइक्रोसोम मेम्ब्रेन्स आर इक्विवेलेंट टू ईआर मेम्ब्रेन एंड इंटीरियर ऑफ द माइक्रोसोम इज बायोकेमिकली, यानी माइक्रोसोम का जो मेम्ब्रेन है वो इक्विवेलेंट होता है ईआर के, और जो उसके अंदर जो पाया जाता है वो भी इक्विवेलेंट होता है ईआर के. जो भी ईआर के मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है वो भी मतलब बायोकेमिकली भी वो ल्यूमिनल स्पेस ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इक्विवेलेंट है. समझ में आ रहा बात. तो पहले होमोजेनाइजेशन करते हैं, उससे हमें माइक्रोसोम मिल जाता है, माइक्रोसोम को हम स्टडी कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज द बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज एन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स. सबसे पहली बात तो ल्यूमेन का जो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होता है मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, एंजाइम्स फॉर प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, लिपिड मॉडिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, जीनोबायोटिक मॉडिफिकेशन, साइटोक्रोम P450 फैमिली ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इज द हिस्टोकेमिकल मार्कर ऑफ द ईआर. इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज जो है एंजाइम, यही है हिस्टोकेमिकल मार्कर ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन की बात कर लें तो विच हैज़ लिपिड बायलेयर और एकदम मोर और लेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की ही तरह ईआर का मेम्ब्रेन भी होता है. 9 नैनोमीटर थिक होता है. इट हैज़ सेवरल टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन. बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं. सम फंक्शनली इंपॉर्टेंट इंटीग्रल प्रोटीन आर साइटोक्रोम P450, राइबोफोरिन, सेक्रीटिन जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोटीन SRP, स्नेयर प्रोटीन आप सुने होंगे स्नेयर प्रोटीन, सिग्नल पेप्टिडाइजेस. ठीक है, इट इज दीज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन ईआर मेम्ब्रेन एंड ईआर ल्यूमेन विच मेक ईआर फंक्शनली सो वर्सेटाइल. वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय ईआर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. Thank you for listening. Bye-bye.